नमस्कार, मैं हूं मीना। साहित्य समृद्धि के चौथे अंक में आप सभी का स्वागत है। हम यहां पर बात करते हैं हिंदी की चर्चित कहानियों पर। आज मैं किसी एक कहानी पर बात न करके हिंदी की 10 उन सर्वश्रेष्ठ कहानियों पर बात करूंगी, जो मुझे लगता है हिंदी साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते यदि हम हिंदी साहित्य को पढ़ समझ रहे हैं तो उन्हें पढ़ा जाना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि हिंदी कहानियाँ इतनी प्रचुर मात्रा में लिखी जाती हैं और लिखी जाती रही हैं, और उनमें से 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ निकालना बेहद कठिन काम है। परंतु ये कहानियाँ इस अर्थ में महत्वपूर्ण हैं कि यदि आप हिंदी कहानी की विकास यात्रा को समझना चाहें और इस लंबे अंतराल में उसकी संरचना में आए बदलावों को समझना चाहें तो ये कहानियाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बात करते हैं 10 सर्वश्रेष्ठ कहानियों की। पहली कहानी जो अपने रचनाकाल से के इस लंबे अंतराल में भी उतनी पठनीय और रोचक है और अपनी भाषा शैली के माध्यम से अपनी प्रासंगिकता को अभी भी बनाए हुए है, वो कहानी है चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जो 1915 में लिखी गई थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, परंतु उसने कहा था कहानी ने उन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। ये एक प्रेम कहानी है और भाषागत जो प्रयोग इसमें हुए हैं और पंजाबी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो अब जो है हिंदी कहानियों में बहुत कम देखने को मिलता है। ये एक प्रेम कहानी है लहना सिंह और सूबेदारनी की। दूसरी कहानी प्रेमचंद जी की कहानी जो 1936 में लिखी गई कफन है, जो मुझे लगता है कि विद्वानों ने माना है कि ये आधुनिक बोध की सबसे पहली कहानी है। ये प्रेमचंद की अंतिम कहानी है और उनकी अन्य कहानियों से इस मायने में अलग है कि इसमें जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनकी अन्य कहानियों में दिखाई देता है इसमें नहीं दिखाई देता। घीसो और माधु की ये कहानी है और एक तरह से उन दोनों के बहाने उनकी जो उनके लिए भूख का सवाल सबसे बड़ा सवाल बन जाता है, उसके बहाने सामंतवादी व्यवस्था पर भी एक तरह का कुठारघात किया गया है। और इसमें जो चरित्र चित्रण है और जो लेखकीय तटस्थता का जो हमें दिखाई देती है, वो इस कहानी को जो है हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में शुमार करती है। ये कहानी 1958 में लिखी निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे है। ये लतिका और मेजर गिरीश नेगी की प्रेम कथा है। परिंदे वो कहानी है जिसने निर्मल वर्मा को एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि दिलाई। कुछ विद्वान इसे पहली नई कहानी भी मानते हैं, परंतु अगर ये ना भी माना जाए तब भी नई कहानी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में इस कहानी को देखा जा सकता है। भाषागत प्रयोग और शैली की नवीनता के कारण ये कहानी जो है एक महत्वपूर्ण कहानी बन जाती है। इसमें आप देखेंगे कि लतिका जो है अपने प्रेम को याद करती है और उस प्रेम की यादों से जो है एक तरह से मुक्ति पाने का प्रयास हम इस पूरी कहानी में देखते हैं। तो चौथी कहानी अज्ञेय की कहानी रोज है, जो पहले गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी, परंतु बाद में कहानीकार ने इसका नाम बदलकर रोज रख दिया। हिंदी की आधुनिक जो बोध की कहानियां है उसोरे के महत्वपूर्ण कदम के रूप में रोज कहानी को देखा जा सकता है। इसमें मालती, उसका पति और उसका आया हुआ भाई, इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। और जो आधुनिक कहानियों में जो एक तरह के जो कथाविहीन कहानियां हैं या घटनाविहीन कहानियां हैं, उस ओर एक मील के पत्थर के रूप में रोज कहानी को देखा जा सकता है। इसमें मध्यवर्गीय स्त्री के जो उसका यंत्रवत जीवन है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है, वो एक सा जीवन है, उसकी निरस्ता को दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो पांचवी कहानी शैलेश मटियानी की 1991 में लिखी कहानी प्रेत मुक्ति है। प्रेत मुक्ति एक आंचलिक कहानी है, कुमाऊं अंचल की कहानी है, जिसमें केवल पांडे और किशन राम 2 मुख्य पात्र हैं। इस कहानी में
समाज में, वहाँ के समाज में गहरे जो वर्णवाद के संस्कार हैं या जो जातीय संस्कार हैं उनको उजागर किया गया है। किशन राम की जो है मरने के बाद प्रेत ना बनने की आकांक्षा और मुक्ति पाने की आकांक्षा जो पर ये कहानी केंद्रित है। भीष्म साहनी की कहानी चीफ की दावत मुझे लगता है आप सभी ने पढ़ी होगी, या अगर नहीं भी पढ़ी है तो मुझे लगता है दूरदर्शन में इसका बहुत पहले चित्रण हुआ था, तो उसके माध्यम से आप लोगों ने ज़रूर इसको देखा होगा। भीष्म साहनी की एक महत्वपूर्ण कहानी है और हिंदी कहानी के क्षेत्र में भी जो है एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में इसे देखा जाता है। बहुत सरल भाषा के माध्यम से जो है भीष्म साहनी जी जो परिवार में जो शिथिल रिश्तों की जो शिथिलता है या जो विघटित होते पारिवारिक मूल्य हैं उनको उजागर करते हैं, और मध्यवर्गीय वर्गीय समाज में जो है थोड़ा सा पढ़ लिख लेने के बाद जो बच्चों द्वारा अपने बुजुर्गों अपने माता पिता के प्रति उपेक्षा का जो भाव है उसको उसका चित्रण इसमें किया गया है। और किसी भी तरह के कलात्मक उछाल और रचनात्मक उछाल के बिना एक बेहद सरल भाषा में ये पूरा चित्रण भीष्म साहनी जी चीफ की दावत कहानी के माध्यम से करते हैं। तो एक बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली कहानी है चीफ की दावत। अभी कहानी है शहादत हसन मंटो की कहानी टोबा टीक सिंह, जो कि मूलतः उर्दू में लिखी गई थी परंतु हिंदी के पाठकों द्वारा भी उतनी ही उत्सुकता से पढ़ी जाती है। और विभाजन भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखी बेहद चर्चित कहानियों में से एक है, जिसमें एक मानसिक रूप से अस्वस्थ बिशन सिंह के माध्यम से पाठक की संवेदना को जो है पूरी तरह मंटो कहानी के अंत में आते आते झकझोर देते हैं, और बेहद व्यंग्यात्मक शैली में पहले कहानी शुरू होती है और पाठक महसूस कर पाता है कि किस त्रासदी से उस समय लोग गुजर रहे थे। और जब बंटवारे के का जो प्रश्न था वो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी किस तरह से जो है अंदर तक प्रभावित कर रहा था। मोहन राकेश हिंदी कथा साहित्य के सिरमौर माने जाते हैं और नई कहानी आंदोलन में उनकी भूमिका से सभी परिचित हैं। एक और जिंदगी मोहन राकेश की बेहद चर्चित कहानियों में से एक है। ये पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन का चित्रण इसमें मिलता है, और ये कहा जाता है कि ये मोहन राकेश जी के हुबो वास्तविक जीवन से प्रेरित है। केवल पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, बाकी कहानी हुबहू है। इसमें सूक्ष्म अभिव्यक्तियों का जो है मार्मिक चित्रण इस कहानी में मिलता है, और दृश्यों के कलात्मक चित्रण और भाषाई सहजता के कारण ये हिंदी की एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में सामने आई है। मोहन राकेश जी की कहानी एक और जिंदगी। नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम भी हिंदी कथा साहित्य की एक महत्वपूर्ण कहानी है, जिस पर एक फिल्म भी बन चुकी है तीसरी कसम। ये हीरामन और हीराबाई की कहानी है। रेणु आंचलिक कहानियों के सिरमौर माने जाते हैं। ये भी एक आंचलिक कहानी है, और हीरामन एक गाणीवान है, उसकी ये कहानी है। कहानी जो है वो है मनु भंडारी जी की कहानी यही सच है, जो 1966 में लिखी गई थी। इसमें दीपा निशित और संजय के माध्यम से प्रेम के बिल्कुल भिन्न स्वरूप के हमें दर्शन होते हैं। बहुत सरल और सहज भाषा में स्त्री के जो है मानवीय पक्षों को मनु भंडारी जी इस कहानी में उजागर करती हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि जो कहानी की जो विकास यात्रा है उसको समझने के लिए इस कहानी को पढ़ा जाना बेहद आवश्यक है। आप बताइए इस फहरिस्त में और किसे शामिल किया जा सकता है, किस कहानी को शामिल किया जा सकता है, और मुझे ये भी बताइए कि आपके पसंद की कहानियाँ हिंदी की कौन सी हैं। मैं इन सभी कहानियों को साहित्य समृद्धि के आने वाले अंकों में सम्मिलित करूँगी। ये प्रयास मेरा अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।